क्वेश्चन नंबर वन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो सबसे पहले तो ये जो पॉलिनोमियल है उसको लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब ये क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो इसके ज़ीरोज फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसके ज़ीरोज और कोएफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई करना है, राइट। सो पहले तो ज़ीरोज़ फाइंड करो। ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करोगे, लास्ट टर्म देखो क्या है, 10 के पहले फैक्टराइजेशन फाइंड करो, फैक्टर्स फाइंड करो। सो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, ओके। अब ये फैक्टर्स को क्या करना है, माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, बिकॉज 10 के आगे माइनस की साइन है। सो माइनस करके क्या लाना है, 3 लाना है। सो ऑब्वियसली 5x माइनस 2x करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लस 3x मिल जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, 0। सो एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयर फॉर एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 एंड 2। नाउ द कोएफिशिएंट, नाउ द वेरीफिकेशन। तो वेरीफिकेशन, सम ऑफ द ज़ीरोज, सम ऑफ द ज़ीरोज माइनस 5 प्लस 2 विच इज इक्वल टू वॉट, माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए आप इसको कंपेयर कर लो अपने क्वेश्चन के साथ तो ये ही आएगा। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज इज माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 10 विच इज इक्वल टू सी बाय ए। यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है। तरीका सेम ही है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले क्या करोगे, 8 के फैक्टर्स निकालो, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 देर कम्स 4 इंटू 2। लेकिन यहाँ पे आपको माइनस 2 चाहिए तो क्या करोगे, माइनस 4x प्लस 2x। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। सो एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 2। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, 0। सो एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू वॉट, 0। सो एक्स इक्वल्स टू 4 एंड माइनस 2। अब इसको वेरीफाई करो। सम ऑफ ज़ीरोस, 4 प्लस माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, 4 इंटू माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 8 विच इज इक्वल टू सी बाय ए। इसको अगर आप इधर इसके साथ कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू वॉट, 1। b इज इक्वल टू वॉट, माइनस 2। c इज इक्वल टू वॉट, माइनस 8। तो यहाँ पे रख के देख लीजिए, इधर माइनस बी बाय ए है, सो माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 2 बाय ए तो 1 ही है, तो 2 आ गया। देखो ये और ये हो गया वेरिफिकेशन, राइट। उसके बाद c बाय ए, तो माइनस 8 बाय 1, तो माइनस 8 आ गया, ये माइनस 8। बस यही चीज़ करनी है। नाउ द थर्ड सम, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। देखो हर वक्त है ना, फैक्टराइजेशन करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये तो क्या एक आदत पड़नी चाहिए, अगर बड़ा नंबर हो तो क्या फैक्टराइजेशन ईजी रहता है। अब ये तो 12 है, तो 12 का क्या होगा, 4 इंटू 3, और करना क्या है, प्लस। सो 4 प्लस 3 इज़ वॉट, 7। तो ये सीधा सीधा आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू
एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस फोर प्लस थ्री इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस फोर। सो एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस थ्री। अब एफ ऑफ एक्स क्या है? ज़ीरो। सो एक्स प्लस फोर इन टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। सो एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर माइनस थ्री। नाउ वेरिफिकेशन, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इसमें ना बच्चे आप लोग कंफ्यूज मत होना, माइनस फोर माइनस थ्री विच इज़ इक्वल टू माइनस सेवन, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस माइनस फोर इंटू माइनस थ्री विच इज़ इक्वल टू ट्वेल्व। अब इसको आप माइनस बी बाय ए उसके साथ कंपेयर कर लीजिए और इसको आप सी बाय ए उसके साथ कंपेयर कर लीजिए। तो देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट, मतलब ज़ीरोज़ को हमने कंपेयर किया कोएफिशिएंट्स के साथ, क्योंकि बी ए और सी क्या है? कोएफिशिएंट्स है। किसके है? पॉलीनोमियल्स के। नेक्स्ट सम है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। अब इसमें क्या करना है? टू और सिक्स को पहले मल्टीप्लाई करो। देखो ये तो वन वन डिजिट नंबर है ना, तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर जब नंबर्स बड़े होंगे, मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ, अगर नंबर बड़े होंगे तो दिक्कत होगी। सो टू इंटू सिक्स कर लो तो क्या होगा? ट्वेल्व। और ट्वेल्व को स्प्लिट कर लो फोर इंटू थ्री, ठीक है? तो फोर माइनस थ्री विल बी एक्स। सो माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स विल गिव यू माइनस एक्स। तो टू एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स। सो इसमें कॉमन क्या निकलेगा? 2x, x माइनस टू प्लस थ्री एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू टू एक्स प्लस थ्री। सो एफ ऑफ एक्स तो क्या है? ज़ीरो। सो x माइनस टू इंटू टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। सो x इक्वल्स टू टू एंड माइनस थ्री बाय टू। अब वेरीफाई कर लो सम ऑफ ज़ीरोस। सो टू प्लस माइनस थ्री बाय टू फोर माइनस थ्री बाय टू, तो क्या होगा? वन बाय टू। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस टू इंटू माइनस थ्री बाय टू, टू टू कैंसिल माइनस थ्री, ठीक है? अब टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। ए क्या है आपका? टू। बी क्या है? माइनस वन। सी क्या है? माइनस सिक्स। सो इधर माइनस बी बाय ए, सो माइनस वन बाय टू सो वन बाय टू, ये होगा सी बाय ए सो माइनस सिक्स बाय टू विच इज़ इक्वल टू माइनस थ्री। आ गया ये और ये, ये और ये, हो गया वेरीफाई सब। फिफ्थ सम फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री। अगेन क्या करेंगे इसको? फोर इंटू थ्री क्या होगा? ट्वेल्व। और ट्वेल्व को हम फिर से फोर इंटू थ्री में ही स्प्लिट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको क्या चाहिए? माइनस फोर चाहिए, तो क्या करेंगे? सिक्स इंटू टू कर लेंगे, ओके? और सिक्स माइनस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा? फोर। लेकिन माइनस सिक्स प्लस टू करेंगे सो माइनस फोर आ जाएगा। सो फोर एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। इसमें कॉमन क्या निकलेगा? टू एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री, कोई कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस वन इंटू माइनस टू एक्स माइनस थ्री। सो टू एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। सो टू एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। x इक्वल्स टू थ्री बाई टू एंड माइनस वन बाई टू। अब सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कर लो। सम ऑफ ज़ीरोज़ थ्री बाई टू प्लस माइनस वन बाई टू विच इज़ इक्वल टू टू बाई टू विच इज़ इक्वल टू वन। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ इक्वल टू थ्री बाई टू इंटू माइनस वन बाई टू विच इज़ इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर। अब कोएफिशिएंट्स देख लो, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री
उसमें ए है 4, बी इज़ योर माइनस 4 एंड सी इज़ योर माइनस 3। सो सम ऑफ द ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाय ए विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 4 बाय ए, क्या होगा 4, सो 4 अपॉन 4 विल बी 1, सो 1 एंड 1 इट इज़ वेरीफाइड। उसके बाद ये प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज का फॉर्मूला क्या है, सी बाय ए, सी बाय ए सी इज़ माइनस 3 बाय 4, सो ये और ये इट इज़ वेरीफाइड, डन। सिक्स्थ वन, 5x² माइनस 4 माइनस 8x, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² माइनस 4 माइनस 8x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ी सी ऑड है, तो पहले इसको रीअरेंज कर लो डिग्री वाइज, 5x² माइनस 8x माइनस 4। अब 5 × 4 विच इज़ इक्वल टू 20, 20 चाहिए और हमें क्या चाहिए इधर 8, यहाँ पे 20 लाना है, 20 को स्प्लिट करो, 10 × 2 चाहिए क्या, माइनस 8, सो माइनस 10 प्लस 2 मिल जाएगा आपको माइनस 8। 5x² माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4, 5x कॉमन निकलेगा इंटू ब्रैकेट x माइनस 2, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा इंटू ब्रैकेट x माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू x माइनस 2 इंटू 5x प्लस 2। अब fx क्या है, इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 2 एंड माइनस 2 बाय 5। नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़, वही सेम स्टोरी करो पूरे एक्सरसाइज में, 2 प्लस माइनस 2 बाय 5, 10 माइनस 2 बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 8 बाय 5, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, 2 इंटू माइनस 2 बाय 5 विच इज़ इक्वल टू माइनस 4 बाय 5। अब इसको कंपेयर कर लो, माइनस बी बाय ए और इधर सी बाय ए, माइनस बी बाय ए क्या होगा, यहाँ पे इससे कंपेयर करना है, माइनस 8, माइनस तो है ही, माइनस 8 बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 8 बाय 5 आ गया इसका और इसका दोनों का। सी बाय ए, सी क्या है आपका इधर माइनस 4 और ए इज़ दिस, सो माइनस 4 बाय 5 आ गया इसका, हैंस इट इज़ वेरीफाइड।